बरेली में फरीदपुर के गांव से ई रिक्शा से वोट डालने जा रही महिला को तभी तेज रफ्तार कार सवार ने पीछे से टक्कर मारी। 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से हुआ फरार। क्या नाम है आपका? सरवीना। कहां से आई हो? नंगीपुर से वोट डाल के आए। हाँ, फिर क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। नंगीपुर से आया, फिर कार वाले ने टक्कर मार दी। आप कहां में थी? ऑटो में। टक्कर कैसे मारी थी? क्या कौन सा वाहन था जिसने टक्कर मारी थी? कार वाले ने। महोबा में ग्रामीणों की है मजबूरी। हैडपंप को लोहे की रॉड से चलाना बेहद जरूरी। रीछा के ग्रामवासी हो रहे लापरवाही का शिकार। जसराना में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नियमों का पालन सख्ती से करने के दिए निर्देश। नियमों का पालन ना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली में बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर सभी विभागों में अग्निशमन की गाड़ी के द्वारा सैनिटाइज किया गया, जिसको लेकर विभाग हुआ अलर्ट। कानपुर में होम आइसोलेशन किट को लेकर जिला प्रशासन के दिखे सख्त तेवर। स्थापित मेडिकल स्टोरों में होम आइसोलेशन किट रहेंगे उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटों का कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा। इस दौरान सख्ती बढ़ते जाने को लेकर निर्देश किए जारी। इंजीनियरिंग छात्र को नाकाम मोहब्बत में सजाए मौत। बाइक सवार बदमाशों ने गोली से उड़ाया। कानपुर में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया। अस्पतालों में गंभीर मरीजों के भर्ती होने से मांग में भारी बढ़ोतरी हो गई। इसकी उपलब्धता सिर्फ 24 घंटे ही रह गई। बरेली में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। पिछले साल भी डेलाफिर मंडी में सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बना रहा। यदि आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसकी कीमत पर एक बार नजर जरूर डाल लें, क्योंकि सोने की कीमत पर कोरोना वायरस का असर साफ नजर आ रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।